बाल मजदूरी समाज और देश दोनों के ही विकास में बाधक होता है। अशिक्षित व्यक्ति निरा पशु के समान है और सही शिक्षा, उचित मार्गदर्शन हमें इंसान बनाते हैं। बच्चों को किताबें दीजिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए, ताकि वो अपने उज्जवल भविष्य की नींव खुद रख सकें। अगर आप इनके बचपन में रंग नहीं भर सकते तो ना सही, पर इनके बचपन को छीनने का हक भी हमें नहीं है। अगर आप एक बेहतर देश और बेहतर कल की कल्पना करते हैं तो आपको खुद को और दूसरों को जागरूक करना होगा। बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। मैंने आज से 2 साल पहले एक कविता लिखी थी बाल मजदूरी पर, वो आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। बाल मजदूरी को प्रदर्शित करती और इसी के विरोध में मेरी रचना गुब्बारे वाला लड़का। सिग्नल पर एक लड़का देखा, बेच रहा था गुब्बारे। सिग्नल पर एक लड़का देखा, बेच रहा था गुब्बारे। हर आने जाने वाले से पूछ रहा था गुब्बारे। जिस जीवन में हंसना था वो गमों के आंसू पी रहा था। हाथ में लकड़ी की छड़ थी जिसमें गुब्बारे सी रहा था। हवा नहीं, अपने सपने भर रहा था। अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहा था। हवा नहीं, अपने सपने भर रहा था। अपना काम बहुत मुस्तैदी से कर रहा था। खेल खिलौने खाने पीने की उसको परवाह कहां। वो तो अपनी धुन में खोया, जिधर भीड़ बस जाता वहां। जिन सिक्कों की चमक में वो खोया था, जिन सिक्कों की चमक में वो खोया था, उसे क्या पता था कि उसका भविष्य उन्हीं में कहीं सोया था। जिन सिक्कों की चमक में वो खोया था, उसे क्या मालूम था कि उसका भविष्य इन्हीं में कहीं सोया था। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था, मैं दूर खड़ा सब देख रहा था। बचपन कितना सस्ता है, बचपन कितना सस्ता है। गुब्बारे नहीं साहब, वो 5 रुपए में अपना बचपन बेच रहा था। वो 5 रुपए में अपना बचपन बेच रहा था। वो 5 रुपए में अपना बचपन बेच रहा था। धन्यवाद।